ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकेर भक्तिर भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, सनातन देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं का दसम स्कंद के 14वें अध्याय के 33वें श्लोक का आज श्रवण करेंगे। ब्रह्मा जी ने वात्सल्य रस की गौएं और माताएं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना स्तन का अमृत दूध के रूप में पिलाया और फिर भगवान के सखाओं के सखा रस और वात्सल्य रस की महिमा गाई, और जो माधुर्य रस है उसमें तो लज्जित हो रहे थे, कहने का साहस नहीं किया। अब ब्रह्मा जी अपने सौभाग्य की बात कर रहे हैं। एशान तो भाग्या महिमा अच्युतः तावद आस्ताम एकादशै वही वयं बतः भूरि भागाः एतादृशी कः चष्कहि अस्कृतः पीबामः शरवादयो अंग्रिहि उदज मध्व अमृता स्वं ते। ब्रह्मा जी कहते हैं ये जो ब्रजवासी है, ए शाम, जो ब्रज के रहने वाले हैं, चाहे गाय हो चाहे गोपियां हो या सखा हो, जो भी ब्रजवासी हैं, अब विषय बदल रहे हैं, तू का अर्थ है विषय बदल रहे हैं। उनकी महिमा का तो वर्णन किया, अब विषय बदल के अपने भाग्य की बात कर रहे हैं। भाग्य महिमा अच्युत, हे भगवान अच्युत, उनकी महिमा आप अच्युत के संग के कारण अच्युत है, परंतु एकादश आस्थान उनकी महिमा तो अच्युत है, रहने दीजिए भगवान। एकादश एव वयम, हम भी 11 देवता हैं। बत भूरी भागा, हम भी बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। इन ब्रजवासियों के अंगों के ऊपर तो देवता, जैसे सब जीवों के, सब प्राणियों के अंगों के ऊपर देवताओं का वास है जो उनको प्रेरणा देते हैं। जैसे आंख में सूर्य देवता है, कान में दिग्पाल है, मुख में वरुण है, हाथ में इंद्र है, तो ये सब देवता ऐसे हैं। मन का देवता ब्रह्मा है, अहंकार का देवता शंकर जी है, तो ऐसे 11 देवता मुख्य कहते हैं।
हम भी बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों, आपको क्या मिलता है? एतत, ये जो भक्त है ना, यहाँ के ब्रजवासी हृष्टाः, इनकी जो इंद्रियां है ना, हृष्य का मतलब इंद्रियां, इनकी इंद्रियां, उनके ऊपर हम बैठकर चशकई, और हम भी भर भर के प्याले पीते हैं, असकृत बार बार पीबाम पीते हैं। सर्वाद्य शंकर जी पहला है, सर्वाद्य हमारा शंकर जो देवता है अहंकार का, और दूसरे भी सारे देवता अंग्रही उदज्ज, आपके चरण कमलों से जो मधु निकलती है, अमृतास्वम, वो अमृत भी है और वो आश्वम का अर्थ होता है नशे में, नशा चढ़ाने वाला जो है रस। तो ब्रह्मा जी का यहां भाव ये है, इन ब्रजवासियों के भाव की तो कोई सीमा नहीं है, ये अचिंत्य है, परंतु हम मुख्य 11 देवता जिसमें प्रमुख शिव है, हम सब इन ब्रजवासियों की इंद्रियों के ऊपर विराजमान है, और उनकी इंद्रियों के द्वारा जो वो रस आस्वादन करते हैं, हम वहां बैठे हुए वृंदावन में उन भक्तों के इंद्रियों के ऊपर बैठे हुए, और कटोरे भर के आप चरण कमलों, चाप के चरण कमलों का मादक मधु उसको भर भर के पीते हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, इन ब्रजवासियों ने हमको भी सौभाग्यशाली बना दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं उनके अपने सौभाग्य की क्या बात करें, वो तो अति भाग्यशाली हैं, उनको उनकी महिमा कौन गा सकता है। हम 11 देवता जो इंद्रियों के स्वामी हैं, जिसमें सर्वादि शंकर जी हैं मुख्य, हम भी सौभाग्यशाली हो गए। क्यों, हम भी पीते हैं कृष्ण की मधुरता को उनके इंद्रियों के द्वारा, ब्रजवासियों की इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि वो मधु अमृत आश्वम, वो तो आपके, आपकी बांसुरी के स्वर को सुनते हैं, वो आपके चरणों में पायल जो है, घुंघरू है, उसके आवाज को सुनते हैं कानों से, वो आपको स्पर्श करते हैं, आलिंगन करते हैं, तो वो सब जो सुख लेते हैं, हम भी उनकी इंद्रियों से आनंद लेते हैं। तो देखना, सुनना, चखना, सूंघना, गाना, ऐसे सब भाव हैं। वैसे 11 देवता क्यों कहते हैं, बोला 10 इंद्रियां एक मन, ये हो गए 11, परंतु इनके साथ 3 और मिला दो, बुद्धि, अहंकार और चित्त, तो ये 11 और 3 14 हो गए। अब इनमें से 2 को निकाल देते हैं कि वो जो है वो उचित नहीं है, मलमूत्र त्यागने के जो 2 इंद्रियां हैं उनके ऊपर जो देवता हैं, एक प्रजापति है और दूसरा मित्र है मैं समझता हूं, बोला वो तो अवर है, वो उनको त्याग दिया। और चित्त का देवता तो स्वयं साक्षात भगवान वासुदेव है, इसलिए उसको भी छोड़ो। तो फिर बाकी 11 बच गए। तो ये जो 11 देवता हैं, इससे हम कृष्ण के मधुर मादक रस को ब्रजवासियों के इंद्रियों के प्यालों से भर के पीते हैं, ये है ब्रह्मा जी का भाव। परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, विचार करना चाहिए कि सूर्य है, चंद्रमा है, देवता है, मानव है, पशु है,
और जितने भी जीव हैं आध्यात्मिक जगत में जो भी है। अब इससे एक बात ऐसे स्पष्ट समझ में आ रही है कि आध्यात्मिक जगत में भी सूर्य है, चंद्रमा है, देवता है, मानव है, पशु है, और भी जो जीव हैं वो सब सच्चिदानंद है। भौतिक सूर्य, चंद्रमा, देवता उनका प्रतिबिंब है संसार में, उन्हीं के छाया रूप से, जैसे हम कहते हैं दुर्गा राजा रानी की छाया रूप है। ऐसे आपने कभी वैकुंठ का चित्र देखा होगा, जहां भगवान विष्णु बैठे हैं तो शंकर जी भी खड़े हैं, ब्रह्मा जी भी खड़े हैं, और अश्वनी कुमार खड़े हैं, नारद जी खड़े हैं। तो वैकुंठ में ये जो देवता हैं, ये हैं वास्तव में आध्यात्मिक। जो देवता जिनका नाम हम इस भौतिक जगत में जानते हैं, इनके वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप आध्यात्मिक जगत में है। ये उनके प्रतिनिधि हैं, प्रतिबिंब के रूप में भौतिक जगत में भौतिक हैं। तो वहां जो कुछ है वो तो आध्यात्मिक है, भौतिक तो है नहीं। भौतिक जगत के जो देवता है उनको आध्यात्मिक देवता अपना प्रतिनिधि करके और शक्ति संचारित करते हैं, कार्य करने के लिए एम्पावर करते हैं। द देवता ऑफ द मटेरियल रैम आर स्पेशली एम्पावर्ड एजेंट ऑफ द देवता ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आध्यात्मिक जगत के जो आध्यात्मिक देवता है उनके बल से भौतिक जगत के देवता जो उनके प्रतिनिधि है वो कार्य करते हैं। भौतिक इंद्रियां अपने आप काम नहीं करते हैं, देवता जब उनको प्रेरणा देते हैं तब काम करते हैं, परंतु भगवान के जो पार्षद हैं वो तो सच्चित आनंद है, उनके इंद्रियों को किसी भौतिक देवता की प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। परंतु ब्रह्मा बड़े उत्साहिक हैं, बड़े भाव विभोर हो गए हैं, और वो ब्रजवासियों के इंद्रियों के ऊपर अपने आप देवतापन का भाव कर रहे हैं। वास्तव में जो ब्रजवासी भगवान के पार्षद हैं उनके इंद्रियों के ऊपर कोई भौतिक देवता नहीं होता है। और आगे समझा जाए, भौतिक इंद्रियों से तो भौतिक ही जगत के सुख को पाया जा सकता है, और देवता जो हमारे भौतिक इंद्रियों में है वो तो भौतिक सुख की ही अनुभूति करा सकते हैं। वो प्रेरक हैं, वो कारक हैं, वो काम कराते हैं, वो भोक्ता नहीं है। देवता भोक्ता नहीं है, देवता कर्तृत्व है। इंद्रियां करण है और इंद्रियों के ऊपर बैठा हुआ देवता प्रेरणा देने वाला है, वो भोक्ता नहीं है, वो तो करता है, लिखा है। हमारी इंद्रियों के ऊपर देवता है, हमें प्रेरणा देते हैं, तब भक्ति के अंदर हम सूंघ सकते हैं, भगवान को अर्पण किए हुए फूल की सुगंध को सूंघ सकते हैं। तो ये सूंघने के लिए, घृणा के लिए, जो हमारे नासिका में देवता बैठा है वो हमको सूंघने की शक्ति देता है। तो देवता तो हमारी इंद्रियों पे हैं, भौतिक जगत में हमारी भक्ति में वो सहायक हैं। ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण की मधुरता को अनुभव करने की उत्सुकता है। दो दोष हैं इस बात, ये बात सत्य नहीं लग रही है। दो दोष हैं, क्या दो दोष हैं? कि देवता तो करता है, प्रेरिता है, भोक्ता तो है नहीं, फिर वो भोग कैसे करेंगे? तो ये भोग तो कर नहीं सकते इंद्रियों के देवता जो हमारे इंद्रियों में बैठा है। ये केवल इंद्रियों को काम कराने की शक्ति देख सकता है, लेकिन ये एंजॉय नहीं कर सकता, भोग नहीं कर सकता। पहला तो ये दोष है, और दूसरा ये भौतिक देवता जो भगवान के पार्षद है उनकी इंद्रियां ही आध्यात्मिक है। वो पूरे का पूरा सच्चिदानंद उनका स्वरूप है, भगवान जैसा
उनके ऊपर इनका अधिपत्य अधिपत्य कैसे होगा? ये दोनों दोष हैं, फिर भी प्रेम के कारण भाव आ गया ब्रह्मा जी को, और इसलिए पद्यावली में, पद्यावली रूप गोस्वामी का है, लिखा है सिद्धि के पास कोई झूठ बोल के भी सिद्धि पे पहुंच सकता है या निंदा करके भी सिद्धि पे पहुंच सकता है। एक ये लाइन कैसी लिखी हुई है, 4-5 साल पहले ब्रह्मा स्तुति को हमने पूना में धारावाहिक साथ 8-10 दिन सत्संग किया था, अभी थोड़े दिन पहले तो एक दिन में इस अध्याय पूरे का सारांश बताया था, लेकिन अब हमारा काम तो बहुत ढीला चल रहा है। तो ये जो है इन पद्यावली, इट इज सेड, पद्यावली में ये कहा गया है, वन रीचेस परफेक्शन बाय लाइंग एंड क्रिटिसाइजिंग, झूठ बोलकर और निंदा कर कोई सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। ये कैसे समझ में आए, रूप गोस्वामी ने जब लिखा है तब हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने के लिए, उनके चरणों का सानिध्य प्राप्त करने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी को रात को घर से झूठ से बहाने से निकल के भागना पड़ा। गए थे, पुजारी नहीं आया था, अपने शिक्षक का, और वहीं से पूजा का बहाना करके भाग गए। सनातन गोस्वामी जेलर को रिश्वत दे के बाहर निकले। तो ये झूठ भी है, ये निंदा भी है, परंतु उनका लक्ष्य क्या था? चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगना। तो ऐसे ये बात बहुत बड़ी भारी कही हुई है, ब्रह्मा जी ऐसे कहा जाए तो वो झूठ बोल रहे हैं, सच तो नहीं है। अब कोई यशोदा और नंद के इंद्रियों के ऊपर इन देवताओं का अधिकार तो नहीं है, और फिर अगर देवता कहीं इंद्रियों पे है तो वो भोगता तो है नहीं, वो तो करता है, वो तो केवल उनको प्रेरिता है। फिर भी अगर भाव कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने का है, सेवा को प्राप्त करने का है, तो उसमें झूठ भी और कहीं निंदनीय बात भी कही जाए तो भी सिद्धि मिलती है। ये बहुत बड़ा भारी जो है एक वाक्य है। वास्तव में भगवान के पार्षदों की इंद्रियां आध्यात्मिक है, उसके ऊपर भौतिक देवताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए एक और इसका अर्थ हो सकता है श्लोक का, तीनों आचार्यों ने एक और अर्थ किया है, कभी कभी भक्त लोलुप्यम के कारण, लोभ के कारण, कृष्ण की मधुरता को प्राप्त करने के भाव से अपने आप को भाग्यशाली कहते हैं। ब्रज के जो भाग्यशाली हैं वो तो एक हैं ही हैं, उनकी तो वो एक हैं, इसका मतलब उनसे किसी की तुलना नहीं की जाती। तो एकोदश जो शब्द है वो 11 भी हो सकता है, और एक से ब्रजवासी हो जाएगा जिससे किसी की तुलना नहीं की जा सकती, एक ही है, दो होते ही नहीं है। जैसे भगवान एक है, दो नहीं होते हैं, तो उनसे किसी की तुलना नहीं है, उपमा ही नहीं है। ऐसे एक का अर्थ है ब्रजवासी, जिनके समान तो कोई है नहीं। और हम 10 जो दिग्पाल हैं, दिग्पाल का मतलब दिशाओं में रहने वाले देवता है, जैसे ब्रज के भी दिग्पाल तो हैं। तो हम जो ब्रज के अंदर दिशाओं के देवता हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। बोले क्यों? कि जब आप गैया चराने के लिए जाते हैं ब्रज में, बछड़े चराने के लिए, अभी अब तो बच्चे हैं, बछड़े चराने जब जाते हैं ना, तो हम जिस दिशा में आप जाते हैं उन देवताओं को तो सब दर्शन होता है, आपके चरणों के चिन्ह भी देखते हैं, तो हमारा सौभाग्य तो है ही। ये दूसरा भाव है, एकादश को 11 के बजाय ब्रजवासी ये हो गए एक, जिसके समान कोई नहीं है, और 10 हो गए 10 दिग्पाल, 10 दिशाएं हैं, 4 दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 कोने नैऋत्य आदि, आग्नेय नैऋत्य ईशान आदि कोना, और ऊपर और नीचे, ये हो गए 10 दिशाएं। श्री जीवा गोस्वामी लिखे
आश्चर्य है। ब्रजवासियों की महिमा कौन कह सकता है, अकथनीय है, अचिंत्य है, परंतु उनके साथ हमारा संबंध है, ब्रजवासियों के साथ, इसलिए हमारा जीवन भी सफल है। जो तू शब्द है इसका अर्थ है, अभी तक जो वात्सल्य और सखा प्रेम का महिमा गा रहे थे, अब वो विषय नहीं है, अब विषय बदल गया है। विषय ये है कि ब्रह्मा जी के मन में राग अनुगा भक्ति उत्पन्न हुई है, ब्रजवासियों के अनुगामी बनना चाहते हैं। हम आपके चरण कमलों से प्रकट होने वाली मादक मधु का पान करते हैं, क्योंकि हम आपके सेवक हैं। तेरा देवता, उनके नाम लिखे सबके, जीव गोस्वामी कहते हैं तेरा देवता हो गए, ब्रह्मा जी, शिव, चंद्र, तीन तो ये, और दिशाओं के देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, वरुण देवता, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मित्र और प्रजापति। तो मित्र और प्रजापति ये तो है मलमूत्र त्यागने के देवता, तो इनको तो कह दिया ये अवर हैं, अच्छे नहीं हैं, इनको छोड़ दिया, इनका नाम नहीं लिया, ये कोई इससे सुख नहीं है। मित्र है गुदा का और प्रजापति है जनेंद्री का देवता, ये उनके अधिपति हैं। तो फिर 11 देवता हो गए। उपेंद्र जो है, चरणों का देवता उपेंद्र है, ये तो भगवान का आवेश अवतार है, विष्णु कहते हैं वैसे उपेंद्र है, उपेंद्र का मतलब वामन देव, ये तो भगवान का आवेश अवतार है, ये आधार शक्ति है, ये विशेष देवता है। कभी कभी कहते हैं इसको भी गिनना नहीं चाहिए, देवताओं में नहीं है ये। और चित्त का देवता वासुदेव है, साक्षात भगवान का अपना विस्तार है। और तीसरे स्कंद में कहा है ये चित्त का देवता वासुदेव जो है, उसके बिना और कोई भी इंद्रिय और उसका देवता कार्य नहीं कर सकते हैं, ये सबके संचालक हैं। वासुदेव और वासुदेव बिल्कुल कृष्ण के निकट है। और ये ग्वाल बाल, ये ब्रजवासी सारे भगवान के नित्य पार्षद हैं। तो ब्रह्मा कौन से देवताओं से अपने आप को तुलना कर रहा है? तो जीव गोस्वामी कहते हैं उन देवताओं से तुलना कर रहे हैं जो आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सच्चिदानंद देवता हैं, जिनका हमने थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की कि जो देवता हमको इस दुनिया में, जिसके नाम हम सुनते हैं, इनका वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप वैकुंठ में है। और इसके लिए पद्म पुराण का एक श्लोक लिखा है, नित्याः सर्वे परे धामनि यचान्यः त्रैव कसाः ते वै पाकृतः नाक अस्मिन्न नित्यास्त्रे द्वेषत् त्रै द्वेषराः। ये जो स्वर्ग में साध्य हैं, मारुत हैं, विश्व देवा हैं, विश्व देवा, ये सब देवता हैं, और उनके जो लोक हैं, उन सब का नित्य आध्यात्मिक जगत में अस्तित्व है। भौतिक जगत वाले नित्य नहीं हैं, परंतु आध्यात्मिक जगत में इनका नित्य स्वरूप है। तो वसुदेव तो दोनों जगह पे नित्य है, ये चित्त का देवता है, ये भौतिक जगत में भी चित्त का देवता वसुदेव ही है, परंतु ये भोक्ता नहीं है। ये ग्वाल बाल तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, उनको अपनी शक्ति है, उनको किसी देवता की आवश्यकता नहीं है।
ये शास्त्रों का वर्णन है। जैसे मलमूत्र त्यागने के इंद्रियों के देवताओं को नहीं गिनते हैं, ऐसे ही कहो कि ये भौतिक देवता इस ब्रजवासियों के इंद्रियों के ऊपर कैसे वास कर सकते हैं, उनको तो नकार दो, नहीं हो सकता ऐसे। इसलिए इस श्लोक का अर्थ ये होना चाहिए, क्या कहते हैं, ब्रह्मा ब्रजवासियों के सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए उनको भगवान के दर्शन हुए उसकी मधुरता के कारण उनकी महिमा गा रहे हैं, और उससे अपने अंदर भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने की जो इच्छा है उसको और दृढ़ कर रहे हैं। एकादश का यहां अर्थ वही है, एकादश अतुलनीय दस, एक का मतलब अतुलनीय और दस, अतुलनीय दस देवता, अतुलनीय है ब्रजवासी, ये ब्रज में बहुत प्रसिद्ध दस देव, दस दिग्पाल, ये सारे भगवान के चरण कमलों का मादक मधु का रसास्वादन प्याले भर भर के इंद्रियों के पीते हैं, क्योंकि उनको सौभाग्य है। ये शंकर जी जो इनके सबके सिरमोर हैं, अधिपति हैं, बार बार पीते हैं। वंद्या मानः चरणः पथिः वृद्धैः, भगवान जब बाहर जाते हैं गैये चराने तो फिर देवता भगवान की रास्ते में पूजा करते हैं, ऐसा भागवत के 10:35-22 में वर्णन है, और 10:35-15 में लिखा है, स्वनशश्च तद उपधार्य सुरेशः शक्रः शर्वः परमेष्टिः पुरुगाः कव्यः अनन्तकन्धरचित्ताः कश्मलम्बयो ययोः अनिश्चित तत्त्वाः। ये भगवान की बांसुरी की ध्वनि के विषय में ब्रह्मा शंकर इंद्र और बड़े बड़े देवता विचलित हो जाते हैं कि कौन से सुर में बजा रहे हैं, हम इतने बड़े कलाकार और संगीत को जानते हैं परंतु कृष्ण के बांसुरी की जो ध्वनि का स्तर बढ़ता जाता है उसको हम समझ नहीं पाते, एक दूसरे पूछते हैं ये क्या बजाया जा रहा है, इसलिए वो ऊपर से ही नमस्कार करके भगवान को प्रणाम करते हैं। और ऐसे इन सब देवताओं को ब्रज में भगवान की रासलीला के समय ये सब आकाश में अपने स्त्रियों के संग आकर पुष्प वृष्टि कर रहे थे, केवल श्री कृष्ण का ही स्वरूप देख रहे थे। भगवान की योग माया ने गोपियों के सारे हाव भाव को छुपा रखा था और देवता भगवान श्री कृष्ण के मधुर नृत्य पद न्यास को देख रहे थे, तो वो ये आनंद तो लिया है देवताओं ने, उसका वर्णन तो है ही। तो पीते क्या है, बोला जो वो मधु पीते हैं ये तो अमृत से भी ज्यादा मादक है, क्योंकि ये मादक है तो ये द्वंद समास है के मीठा भी है मधु जैसा भी है और मादक भी है, तो मधु मधु और अमृत दोनों को इंद्रियों के प्यालों से पान करते हैं, आश्चर्य है। अमृत का एक अर्थ और निकालें, जो पहले से मुक्त हैं वो भी इस भगवान के प्रेम में मदमस्त हो जाते हैं,
जो पहले मुक्त हैं वो भी मदमस्त होते हैं, आत्माराम भी। आपके भक्तों का सौभाग्य भी अच्युत है, आप अच्युत, आपके भक्तों का सौभाग्य अच्युत है, सदा ही वो आनंद में रहते हैं। भगवान के चरणों में कमलों के अमृत को ब्रह्मा जी ब्रजवासियों के माध्यम से पीने का प्रयास कर रहे हैं। अगर अमृत कहें इसको तो इसका मतलब मृत्यु नहीं है, और आश्वन का फिर अर्थ क्या होगा कि जो मुक्त जीव है वो भी इसको पीना चाहते हैं। इसका अर्थ है भगवान के चरण कमलों की मादिक मधु जो है वो पांच प्रकार की मुक्ति को भी भुला देती है। सनातन गोस्वामी कहते हैं वो न सारूप्य चाहते हैं, न सालोक्य चाहते हैं, न सामीप्य चाहते हैं, न सारिष्टि चाहते हैं, सायुज्या तो चाहिए ही नहीं, ये सब भूल जाते हैं। इसका अर्थ है ब्रजवासी इन मुक्तों से महान है, मुक्ति इच्छकों से महान है। और भागवत के दूसरे स्कंद के पांचवें अध्याय के तीसवें श्लोक में 10 देवता कहे गए हैं, उनमें चंद्रमा मन का देवता है, इसको मिलाएंगे तो 11 हो जाएंगे। वयम ब्रह्मा जी अपने आप को इसमें गिनते हैं जो बुद्धि के देवता हैं, एंड शंकर जी अहंकार के देवता हैं, प्रजापति भी ब्रज में कोई ब्रजवासी बालक पैदा करे तो प्रजापति को स्वीकार किया जा सकता है, परंतु मित्र को नहीं स्वीकार, ये सनातन गोस्वामी का भाव है। पर उपेंद्र तो भगवान का अवतार है, उसको नहीं गिनना चाहिए इसमें। पखो बंद कर। फिर वही बात है कि ब्रजवासियों के शरीर भले, ब्रजवासियों का शरीर तो सच्चिदानंद है, उसके ऊपर कोई भौतिक देवता नहीं हो सकता है, परंतु वैकुंठ में इनका वास्तव अस्तित्व है और उनका प्रतिबिंब और या उनका छाया है भौतिक जगत के देवता। फिर वही पद्म पुराण का श्लोक दिया है, हम 6 दिग्पाल और उसमें हम 10 दिग्पाल निरीति को छोड़ के बाकी 9 और सूर्य चंद्रमा को जो मिलाकर आपके जब गैया चराने जाते हैं तो आपका रस आस्वादन करते हैं। एक और श्लोक पढ़ लेते हैं आज, मेरे को दूसरा आज क्लास है अभी। तद भोरि भाग्यम इह जन्म किमप्याटव्याम यद गोकुले अपि कतमांग्रिहि रजो अभिषेकम य जीवितम तो निखिल भगवान मुकुंदस तवद्यापि यत पदरज्जः श्रुति निमृग्यमेव। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रजवासी बनने के मैं योग्य नहीं हूं, ये मुझ में सामर्थ्य भी नहीं है, इतना मेरा भाग नहीं है, पर इतनी मेरे ऊपर कृपा करो भगवान कि ब्रज में कोई घास तो बना दो, पत्थर का टुकड़ा बना दो, उसके ऊपर आपके आपके चरण कमलों को निकट से मुझे कोई रज मिल जाए, ये मैं सौभाग्य मेरा नहीं है, परंतु आपके भक्त जो हैं वो मैं अगर घास का तिनका बन जाऊंगा आएंगे तो उन भक्तों के यदगो कुले अपिकतमांग्रि रजो अभिषेकम उनके चरणों की रज से मेरे को अभिषेक हो जाएगा। यजीवितम तो क्यों, उनमें कौन सी विशेषता है ब्रजवासियों में, जीवतम उनका जीवन है, निखिल भगवान अरे पूर्ण रूप से आप मधुर भगवान श्री मुकुंद, मुकुंद कहने का अर्थ मुक्तिदाता नहीं है, मुक्तिदाता तो उनको पसंद ही नहीं है, जिनका मुख मुस्कुराता हुआ कुंद के फूल की तरह, मुकुंद मुंह से मुख और कुंद से फूल,
आपके मुस्कुराते हुए मुख को वो सरलता पूर्ण रूप से उसी में जीते हैं, उसी को पीते हैं। तवद्याप यदपाद रज स्मृति मृग्याम, अरे आपके चरणों के तो रज को वेद की श्रुतियां ढूंढ रही हैं, उनको नहीं मिली है तो हमको कहां से मिलेगी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा सौभाग्य ऐसी में है कि ब्रज में गोकुल में मैं कहीं क्या बन जाऊं, अटवीम, इस वन में कहीं घास बन जाऊं, और आपके ब्रजवासियों के चरणों की रज मुझे मेरे ऊपर पड़े। कैसे ब्रजवासी जिनका जीवन मुकंद आप के प्रेम में परिपूर्ण है, और जिस मुकंद के चरणों की रज को वेदों के मंत्र ढूंढ रहे। प्रभुपाद जी शिष्य लिखते हैं इस श्लोक में ब्रह्मा इच्छा करता है कुछ छोटा सा घास वृंदावन में बन जाए, ताकि ब्रजवासियों के आते जाते उनके चरणों की रज उनके घास के रूप में उनके सर पे लगे। अब ब्रह्मा वास्तविक विचार कर रहे हैं कि मैं भगवान के चरणों की रज का तो अधिकारी हूं नहीं, भगवान के भक्तों की कृपा होगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा। चक्रवर्ती पाद तो लिखते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे उस रास्ते का पत्थर बना दो जिसके ऊपर ब्रजवासी आते जाते हैं। ब्रह्मा जी तो सृष्टि करता है, पूरा जगत को सृष्टि करता है, वो अगर ब्रज में घास बनना चाहता है इसका अर्थ है कि ब्रज में घास का कितना बड़ा महत्व है, ब्रज का पेड़ पता लता कितने भाग्यशाली है कि ब्रह्मा इसको बनने की इच्छा करता है। भगवान के भक्त भगवान की प्रेमा भक्ति से इस उच्च पद को प्राप्त करते हैं, इसी और किसी भी घमंड से मैं बड़ा ज्ञानी हूं मैं बड़ा योगी हूं उससे ये नहीं प्राप्त हो सकता। श्री प्रभुपाद ने परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण में इस श्लोक के भाव को लिखा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं वृंदावन के अंदर नहीं दे, मैं वृंदावन में भी घास बनने के अगर लायक नहीं हूं तो कम से कम ब्रज की सीमा के बाहर मुझे घास बना दीजिए, आते जाते भक्तों का चरण कमलों की रज मिल जाएगी, ये भी मेरा सौभाग्य है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं मैं हूं सत्यलोक का अधिपति, इस पूरे ब्रह्मांड का बड़ा राजा, मैं उसको त्याग रहा हूं, लोगों को चाहिए मुक्ति, मैं उसको छोड़ रहा हूं, बस अब मुझे आपके ब्रजवासियों के चरणों की रज चाहिए। ऐसे विचार करके ब्रह्मा बोलने लगे निश्चय करके, मेरा सौभाग्य हो जाए, भगवान मेरे ऊपर आप कृपा की कटाक्ष करो, मेरे को मेरे ऊपर कृपा दृष्टि कीजिए। तद भूरी भाग्यम, तद का मतलब भगवान, भूरी भाग्यम मेरा सौभाग्य के लिए मेरे ऊपर दृष्टि करो। तो भगवान कहते हैं क्या चाहिए, कौन सा सौभाग्य आपको चाहिए? कहते हैं मैं एक घास का तिनका वृंदावन में बनना चाहता हूँ, यह अटवीम बनना चाहता हूँ, यह अटवीम, अटवीम का मतलब वन, इस वन में घास बनना चाहता हूँ वृंदावन में, ताकि आपके भक्तों के चरणों की रज मिले, आपके मित्रों की आते जाते गैया चराते हुए। ओ ब्रह्मा ऐसी मूर्खता वाली बात क्यों करते हैं, कुछ और मांग लो ना जो तुम्हारे लिए उचित हो, घास बनना कोई अच्छी बात है? तो आप घास भी नहीं बनाना चाहते हैं तो गोकुल के किनारे पे आने जाने वाला जो पथ है, रास्ता है, उसके ऊपर पत्थर का टुकड़ा बना दो या कपड़े का टुकड़ा बना दो, आते जाते में ब्रजवासी आपके भक्तों के चरणों की रज नहीं। फिर देखा है वहां जो झाड़ू निकालने वाले होंगे ना, उस झाड़ू से जो रज आएगी उससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। इसका मतलब ब्रज में झाड़ू निकालने वाला कितना महान है जो ब्रज रज की सेवा करता है। एक बार टिकारी बिहार में है, उसकी रानी पालकी में चढ़ के वृंदावन में, वृंदावन में इन सब के अपने अपने
पुराने राजाओं के अपने महल भी हैं, उनके घाट भी बने हैं, उनके मंदिर भी बने हैं। टीकारी का मंदिर आज भी है वृंदावन में। तो महारानी आ रही है, ऐसे जैसे करते हैं वो कर रहे थे, तो एक वृंदावन में झाड़ू लगाने वाली मैत्रानी खड़ी होकर कहती है, ये कौन सी और रांड रानी बन के आ गई। ब्रज में तो तीन चार रानी आई, ये पांचवी कहां से आ गई। रानी ने सुना, उतरी पालकी से पूछा, कौन सी चार रानियां हैं ब्रज में। बोला, एक तो राधा रानी है, एक जमुना महारानी है, एक ये ब्रज की रज रानी है। बोला, ये तीन तो मैं समझ गया। तो चौथी कौन है जिसकी आप बात कर रहे हैं। बोले, चौथी मैं मैत्रानी हूं, मैं भी यहां की मैत्रानी हूं, यहां की रज की सेवा करती हूं। बाहर की रानी से ब्रज की मैत्रानी महान है, ये बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा, क्या कारण है आपका, इतनी ब्रजवासियों की महिमा क्यों गा रहे हो। आप पूजन्य पितामह हो, इस ब्रज के झाड़ू वाले, झाड़ू देने वाले, उनके चरणों की रज आपको चाहिए। हाँ चाहिए, क्यों चाहिए। बोला, उन्होंने, उनका जीवन ही कृष्ण मुकुंद आपके मुस्कुराते हुए कौन से फूल, जैस्मिन के फूल, मुकुंद वही उनका जीवन है। उनके लिए आप सब कुछ हो, निखिल हो, आप उनका सब कुछ, आप उनका जीवन आप ही हो। आपको देखे बगैर न खाते हैं न पीते हैं, उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं है आपके बिना। इनके पचरणों की धूल मेरा सौभाग्य है, और आपके चरणों की धूल तो वेद श्रुति ढूंढ रही है। ये मेरी छोटी प्रार्थना है, वेद भी लज्जित हैं कि आपके चरणों की धूल नहीं पा सकते, तो मैं कहां पा सकता हूं। पहले मैंने प्रार्थना की थी वैदी भक्ति की, परंतु अब मुझे वैदी भक्ति नहीं चाहिए। अब मेरा राग अनुगा भक्ति की इच्छा उत्पन्न हो गई है कि मैं ब्रजवासियों का अनुगत बन जाऊं। ये है ब्रह्मा जी का भाव। ब्रह्मा जी अब निम्रता पूर्वक हो गए हैं, अपने आप को भगवान के भक्तों के चरणों का दास बनाना चाहते हैं। भगवान के चरणों का दास बनना नहीं, तो बहुत आदर पूर्वक भगवान के चरणों की रज के लिए ब्रज में घास का तिनका बनने की प्रार्थना कर रहे हैं। पांच प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए। मुकुंद, हाँ, ब्रज में मुक्ति नहीं चाहिए, ब्रज में वास चाहिए। मेरी मुक्ति ब्रज में जन्म हो, वैकुंठ में सालों का है नहीं चाहिए। मुझे मथुरा के अंदर जो गोकुल है वहां घास बना दीजिए, पत्थर बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए। आते जाते भक्तों के चरणों की रज से स्नान करके मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। हम तो सीधा ग्वाल बाल बनने के अधिकारी नहीं है, आप तो भगवान गोकुल के भक्तों का जीवन है। मुकुंद का अर्थ यहां मुक्तिदाता नहीं है, ये भक्ति तो नहीं देते हैं। कृष्ण के भक्त एक क्षण भी बिना भक्ति के नहीं रह सकते हैं, तो यहां मुकुंद का अर्थ जो है बड़े प्रेम से लिया गया है। इसका अर्थ है, कृष्ण
जिसको प्रेम के अतिरिक्त और किसी रास्ते से नहीं पाया जा सकता है, मुक्ति से भी जिसको नहीं पाया जा सकता। उपनिषद जिसके चरणों की रज को ढूंढ रहे हैं, श्रुति कहती है यतो वाचः निवर्तते, शब्द जिस तक पहुंच नहीं सकते हैं, आपके चरणों की रज मेरे को मांगने का अधिकार नहीं है, जो वेदों के लिए नहीं है, उपलब्ध नहीं है, वो मुझे कहां से मिलेगा। तो ग्वाल बाल तो मैं बन नहीं सकता, उनका प्रेम तो महान है, बस ब्रज में घास बना दीजिए। तो यहां वाणी को आज विराम देते हैं, मुझे दूसरा तैयारी करनी है, सारा काम रोज आगे बढ़ रहा है, यहां से कल फिर पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, कोई प्रश्न जिज्ञासा है? एक छोटा सा प्रश्न था मेरा। बोलिए। जैसे हम बोलते हैं कि जो देवी देवता होते हैं वो मतलब भगवान की भक्ति होते हैं, लेकिन उनके कुछ डिजायर्स होते हैं, कुछ भौतिक, वो दूसरे भक्तों, वो ये भौतिक देवताओं की बात है, और दूसरे देवता वास्तव में जो आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ में जो देवता हैं वो है सच्चित आनंद, उनकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, उनका प्रतिबिंब रूप में, उनकी छाया रूप में ये देवता भौतिक जगत में है। अच्छा। तो इसका ये अर्थ हुआ, ये इन श्लोकों में तात्पर्य में ये लिखा है कि मानो एक सरस्वती है जिसको हम धरती के ऊपर विद्या की देवी कहते हैं, इसका आध्यात्मिक जगत में सच्चित आनंद नित्य स्वरूप सरस्वती का है, और उस सरस्वती ने ब्रह्मा जी को गोपाल मंत्र दिया था सृष्टि से पहले, इसका मतलब ब्रह्मा से पहले वो सरस्वती तो थी, आध्यात्मिक जगत में तो वो है। और एक फोटो तो आप सबने देखा है वैकुंठ का, जिसमें भगवान विष्णु बैठे हैं, लक्ष्मी जी चरणों में बैठी है, ब्रह्मा खड़े हैं, शंकर जी खड़े हैं, और वो जो घोड़े के सर वाले हाईग्रीवा जी खड़े हैं, और नारद आदि खड़े हैं। तो वैकुंठ में इनका अपना अस्तित्व और वास्तविक सच्चिदानंद रूप में है, और उनकी छाया रूप में भौतिक जगत के देवता उन्हीं से प्रेरित और एनपावर्ड होकर आते हैं, उनके प्रतिनिधि होते हैं। प्रभु जी, तो फिर वो आध्यात्मिक जगत वाले वो 33 करोड़ देवी देवता तो नहीं होंगे, वो तो कुछ स्पेसिफिक कुछ होंगे ना? अब जैसे यहाँ 33 करोड़ एक 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 ये अनंत है, जिनका कोई हिसाब नहीं, जैसे जैसे भगवान के अवतार इतने हैं जितने समुद्र में लहरें हैं, तो कोई लहरें नहीं गिन सकता, ऐसे 33 करोड़ कोटि के कई अर्थ निकालते हैं, 33 केवल 33 भी कहते हैं, और उनका फिर विस्तार, उनके और विस्तार और विस्तार, ऐसे मुख्य देवता सारे जो यहाँ 11 देवताओं की बात हो रही है, जो इंद्रियों के अधिपति है, ये सब आध्यात्मिक जगत में। लेकिन दूसरा श्लोक पद्म पुराण में साध्य देवता, मारुत देवता, और जो ये और नाम लिए थे ये भी आध्यात्मिक जगत में है, तो इसका मतलब सब देवता आध्यात्मिक जगत में है। और वैसे सीधी से अच्छी बात है, अगर आध्यात्मिक जगत में नहीं होते तो इस जगत में कहां से आते, उनका अपना अस्तित्व वहां है। देवता भगवान के भक्त है, लेकिन उन्हों को इच्छा होती है कुछ स्वामी तो बनने की, इसलिए उनको किसी विशेष कार्य में स्वामी बना दिया है। हाँ, ये तो ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्ण।